हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत दिनों का यूट्यूब पर मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो आज मैंने सोचा कि मैं कुछ फिटनेस के लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ सीरीज स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, 3 से 4-5 महीने का जो गैप हुआ है, इसमें मेरे शोल्डर में, राइट शोल्डर में इंजरी हो गई थी। मैं शोल्डर का हेवी वेट ले रहा था, डंबल प्रेस लगा रहा था, 35 और 35 kg 70 kg लगा रहा था मैं। तो मेरी इसमें यही गलती रही है जो अधिकतर लड़के करते हैं, मैंने न तो वार्म अप किए वर्कआउट से पहले, न स्ट्रेचिंग करी, और मैंने डायरेक्ट आके 35 किलो के डंबल शोल्डर पर लगाना शुरू कर दिए। तो जैसे मैंने 35 और 35 70 kg के डंबल उठाए, एक रेप भी मुश्किल से नहीं आया और नीचे गिर गया डंबल, तो उससे मेरे राइट शोल्डर में इंजरी हो गई। मैंने डॉक्टर से शोल्डर की जांच कराई, डॉक्टर ने बताया आपका कंधा निकल गया है, तो आप वर्कआउट बंद कर दीजिए थोड़े दिन के लिए। पर यहाँ पर मैंने फिर से एक गलती कर दी है। मैंने सोचा कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं और मेरे को भी ज़्यादा कुछ पेन नहीं हो रहा था, पता नहीं चल रहा था, तो मैंने वापस वर्कआउट स्टार्ट कर दिया एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते तक मैंने छुट्टी रखी और एक हफ्ते के बाद मैंने वापस वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते वर्कआउट किया, जो शोल्डर है वो पहले से और ज़्यादा हालत बिगड़ गई उसकी। मैं जुड़ा नहीं था और मैंने एक हफ्ते में वापस वर्कआउट स्टार्ट कर दिया कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये मेरी दूसरी गलती हो गई। इसलिए मेरे को लगभग 4 महीने हो गए हैं इंजरी हुए ने। तो इंजरी जब हुई थी उससे आज तक 4 महीने हो गए और अभी तक थोड़ा सा हल्का हल्का पेन देता है, मतलब 80% शोल्डर ठीक हुआ है, 20% और अभी बाकी हैं। तो दोस्तों, अब जो मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ नेचुरल और वेजिटेरियन डाइट से अपना वेट गेन और मसल गेन करूँगा। और हर 1 वीक या 2 वीक में आपको अपना बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊँगा, जिसमें आप देख सकते हैं बिना सप्लीमेंट के सिर्फ डाइट से कितना वेट गेन होता है, कितना मसल गेन होता है, बॉडी कैसी कंडीशन आती है और कैसी बॉडी बनती है। आप वीडियो में मेरे साथ अगर बने रहेंगे आखिरी तक तो आपको भी पता चलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आज मेरा वर्कआउट का फर्स्ट डे है और मैंने बिल्कुल लाइट वेट से एक्सरसाइज स्टार्ट करी है, ये सीरीज लेके आया हूँ, वीडियो लेके आया हूँ, तो आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे, तो हम और भी वीडियो अच्छे अच्छे फिटनेस के लिए लाएंगे। तो दोस्तों, आइए वेट चेक करते हैं। तो दोस्तों, मेरा वेट 66.8 kg है। आप देख सकते हैं मेरा 74 kg वेट था, अब 66 kg रहा है, कितना अंतर आ गया है। लगभग 8 kg मसल लॉस हुआ मेरा, और वो भी इंजरी के कारण। तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो दोस्तों, इस 66.8 kg बॉडी वेट और इस बॉडी कंडीशन से अब हम ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। राइट शोल्डर में, पूरे हाथ में पेन होता है, फिर भी मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया और सीरीज स्टार्ट करी, और जो पेन होता है, दर्द होता है, और शोल्डर अभी 70-80% सही हुआ, इसलिए मैं लाइट वेट से ही वर्कआउट करूँगा। मैं अब ईगो लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग नहीं करूँगा, बिल्कुल नॉर्मल लाइट वेट से एक्सरसाइज करके, नॉर्मल वर्कआउट जो बॉडी का होता है वो करके मैं आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊँगा। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज मैंने वर्कआउट फिनिश कर लिया है और आज की बॉडी की कंडीशन चेक करते हैं। तो आज वर्कआउट का फर्स्ट डे है, ये देख सकते हैं आप बॉडी की कंडीशन कैसी है, बैक कैसी आ रही है, और 67 kg वेट में मसल कितना लॉस हो गया है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम गेन करेंगे और अगले 30 दिन बाद हम आपको नया वीडियो बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।